तो भाइयों एवं भाइयों, टिकटॉक लवर्स के लिए एक बेहद ही टुच्ची और बुरी खबर है और साथ ही में टिकटॉक के दुश्मनों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले कुछ पर्सनल बातें आपसे करना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से धीरे धीरे अब हमारा चैनल बड़ा होता जा रहा है और मैं सच बताऊं तो इस चैनल को मैं चैनल के नजरिए से नहीं बल्कि एक क्षेत्र के नजरिए से, एक जोन के नजरिए से देखता हूं और इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है मन्नू जोन। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस चैनल को देखते हैं आपस में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान बना रहे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक बंदे के कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ और मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ते रहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ के, और जो लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, अपने अपने सजेशंस देते हैं कि भाई ऐसा करो तो और भी अच्छी चीजें होंगी, भाई दिल से शुक्रिया आप लोगों का। और साथ ही में जो लोग भी मेरे रिगार्डिंग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जिससे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर और भी वीडियोस बनाने के लिए उत्साहित हो जाता हूँ कि चलो मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, लोगों को पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट, तो दिल से शुक्रिया। और जो लोग भी मेरे को मोटिवेट करते हैं कमेंट करके, आप लोगों का सम्मान यहाँ पे है, दिल से आप लोगों को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और मेरे को गालियाँ देते हैं। जो भी न्यूज निकल कर आती है मैं फैक्ट आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे से कुछ गलतियाँ हो जाती है तो कमेंट में लोग मुझे बोलते हैं, तो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करने को भी तैयार होता हूँ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आते हैं कुछ लोग, मेरे को गालियां देते हैं, बोलते हैं कि तेरी आवाज अच्छी नहीं है। चलो मान लिया मेरी आवाज अच्छी नहीं है, जिनको पसंद आ रहा है भैया वीडियो देखो। लेकिन कुछ लोग आके मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम ऐसे दिखते हो वैसे दिखते हो। मैं पूछता हूँ कि यार तुम यहाँ पे वीडियो देखने आते हो या फिर तुम अपनी बहन का रिश्ता लेकर आते हो मेरे लिए, मतलब समझ में नहीं आता है। कम से कम किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, अगर वो अच्छी चीजें बता रहा है तो कम से कम उसको डिमोटिवेट तो मत करो। और चलो मान लिया कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, लेकिन कौन से मैं तुम्हारी बहन का रिश्ता मांग रहा हूँ, और वैसे भी ऊपर वाले ने मेरे को जैसा भी बनाया है मैं उससे हैप्पी हूँ। यार यहाँ पे तुम वीडियो देखने के लिए आते हो, मेरी शक्ल देखने के लिए नहीं आते हो। आप यहाँ पे कंटेंट देखो कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ, क्या मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। आप मेरी शक्ल लेके नहीं जाओगे, लेकिन यहाँ पे मैं जो चीजें बताऊंगा वो लेकर आप जरूर जाओगे। इसलिए इस तरह की प्लीज भद्दी भद्दी चीजें मत लिखा करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, अच्छे तरीके से आगे बढ़ो। और वैसे भी मैं इन चीजों से, जो फालतू फालतू के कमेंट्स करते हो ना, डिमोटिवेट नहीं होने वाला हूँ और ना ही मैं इससे नेगेटिव होने वाला हूँ, क्योंकि हम चुनौतियों से लड़ते हैं, तुम लोगों जैसे चूतियों से नहीं। माफी चाहता हूँ कि इस तरह का वर्ड मैंने यहाँ पे प्रयोग किया, लेकिन इस तरह के जो फुद्दू और ओवर स्मार्ट वाले लोग हैं ना, इन लोगों के लिए इसी तरह के शब्द ही बने हुए हैं, इसलिए मजबूरन मेरे को बोलना पड़ा। खैर, असल मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि आखिर न्यूज क्या निकल कर आई है। अब भैया देखो, बात ऐसी है कि जब से चाइना के 59 एप्लीकेशन को इंडिया के अंदर बैन किया गया, और बैन करने के बाद ये एप्लीकेशन सारे के सारे इधर उधर बेगाने पड़े हैं, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है। लेकिन इस बीच में टिकटॉक आने की काफी कोशिश और प्रयास करता है कि हाँ भैया मैं इंडिया के अंदर जाऊंगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ रही है, हड्डी पसली करने में तुली हुई है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इनको बैन किया, बैन करने के बाद 79 क्वेश्चन की पप्पी दे डाली कि भैया इसका आंसर दो तो यहाँ पे आने देंगे, नहीं तो जहाँ पे हो वहीं पे रहो, यहाँ पे घंटा भी नहीं आने देंगे। और जब उसका टाइम खत्म हो गया जवाब देने का, तब इंडियन गवर्नमेंट ने इनको वार्निंग दे डाला है कि अब इंडिया के अंदर कहीं पे भी भटकना मत गलत तरीके से। अब गलत तरीके से कहने का मतलब ये है कि काफी सारे लोग VPN लगा के ट्राई कर रहे थे, कुछ लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर रहे थे कि भाई मैं तो टिकटॉक चला रहा हूँ, बड़े मजे ले रहा हूँ। लो अब मजे इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टिकटॉक को बोला है कि इंडिया के अंदर भटकना भी मत, नहीं तो फिर हमारे से बुरा कोई भी नहीं होगा। मतलब कुछ भी VPN लगा के, कुछ गलत तरीके से कांड करके इन एप्लीकेशन को चलाने से मना कर दिया है। और कुछ लोग ब्राउजर पे सर्च करते थे, उसके बाद में फिर टिकटॉक वहां पे आता था, और वहां से जब प्ले स्टोर पे जाते थे तो प्ले स्टोर पे दिख जाता था। तो इन सारी की सारी चीजों के लिए उनको अलर्ट कर दिया गया है कि भैया गलती से भी इंडिया के अंदर भटकते हुए दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हमारे से बुरा कोई भी नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो कि गवर्नमेंट ने वार्न दे दिया है इन सभी को कि भैया इंडिया के अंदर तुम लोग भटकना भी मत, और इनडायरेक्टली टिकटॉक को बोला गया है। अब अगर टिकटॉक कैसे आएगा इसके बारे में मैं बात करूं, तो टिकटॉक की बातें चल रही थी US में सेटल होने की। अगर US की कोई कंपनी से इनकी चाय बिस्किट चलती है, गोलगप्पे चलते हैं, और US में जाके अगर ये सेटल हो जाता है तो फिर थोड़ा सा इंडिया में आने के भी चांसेस हो सकते हैं, और जो अमेरिका में बैन होने की बात चल रही थी वो थोड़े से कम हो सकते हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आ सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन के आंसर मांगे गए थे मेरे को देखने को ये मिला था, काफी सारे लोग बता रहे थे,
मैंने ऑफिशियली मैंने देखा नहीं, मैं जो भी बताता हूँ आप लोगों के सामने फैक्ट रखने की कोशिश करता हूँ। कमेंट में काफी सारे लोग बता रहे थे कि 62 से 63 क्वेश्चनों के आंसर दे डाले, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 79 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 79 क्वेश्चनों की पप्पी भेजी गई थी, लेकिन पप्पी में उनका जवाब आया नहीं है। तो अगर यूएस सेटल हो जाता है टिकटॉक तो फिर आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, और मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि टिकटॉक जितनी बड़ी कंपनी है ना, किसी न किसी तरह से तिगड़म भिड़ा के और ये इंडिया के अंदर घुस ही जाएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो ये थी आज की वीडियो, और दोस्तों अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मैं अब से अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं एक एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा जिसके जरिए आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, और साथ ही उस एप्लीकेशन के बारे में भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर जानकारी दे दूंगा कि कैसे आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि यार अब चल रहा है टिकटॉक तो है नहीं जो कि आप लोग टिकटॉक में बैठ के मस्ती करो, तब गेम वेम खेल के आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अब मैं हर वीडियो में लगभग एक एप्लीकेशन का लिंक डालने की कोशिश करूंगा जिसके जरिए आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तब यार जाते जाते ना लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब बटन को पप्पी देना एक, और साथ ही में डिस्क्रिप्शन को भी चेक करते जाना, कोई अगर अच्छी एप्लीकेशन आपको लग जाए तो यूज करके पैसे कमा लेना। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज यार लाइक करना वीडियो को, और साथ ही में भैया इंस्टाग्राम पे आज तक मैंने फॉलो करने के लिए शायद ही आपको बोला है, यार फॉलो नहीं करते यार तुम लोग, जो भी चीजें बात करनी हो ना तो फिर इंस्टाग्राम पे बातचीत होती रहती है, तो आ जाना और फॉलो भी कर लेना अपने भाई को। तो मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है ना।